दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कोसी स्टडी पर। दोस्तों बिहार बीएड इंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट शेड्यूल है इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। हो सकता है आप डेट भूल गए हो या फिर अभी तक ऑनलाइन नहीं किया है, तो कब से कब तक किस चीज़ के लिए तिथि है इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। इससे पहले एक वीडियो और बनाए थे जिसमें हम आपको बताए थे कि बिहार बीएड इंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद आपको एडमिशन फ़ी कितना लगेगा, कोर्स फ़ी कितना लगेगा, साथ ही साथ योग्यता क्या होनी चाहिए, सिलेबस या एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा आपका, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, डिस्टेंस मोड से या फिर रेगुलर मोड से करना चाहते हैं, तो पूरा डिटेल जानकारी हम आपको पीछे वाले वीडियो में दिए हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि इसका इम्पोर्टेंट शेड्यूल क्या क्या है। तो दोस्तों आपको पता है इससे पहले नालंदा यूनिवर्सिटी को नोडल विश्वविद्यालय बनाया गया था, लेकिन इस बार ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को नोडल विश्वविद्यालय बनाया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आया वो आपका 1 फरवरी से ही स्टार्ट है। अगर आपने अभी तक फॉर्म ऑनलाइन नहीं किया है, करना चाहते हैं, तो आप 2 मार्च से पहले ज़रूर कर दीजिए। हो सकता है नेटवर्क समस्या आ जाए, किसी तरह का एरर आ जाए, तो आप पहले ही फॉर्म फिलअप कर दीजिए यदि आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो। इसके बाद आपका फॉर्म किसी भी तरह से त्रुटिपूर्ण हो जाता है, कहीं भी गलती परिलक्षित होता है, तो आप सुधार कर सकते हैं 4 मार्च से। इसके बाद लास्ट पेमेंट डेट है जो आप इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए पेमेंट करेंगे, 5 मार्च तक आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, एग्ज़ाम से 3 दिन पहले की बात किया है, लेकिन यहाँ पर आपको 23 मार्च से ही एडमिट कार्ड शो करेगा, ठीक ना। उसके बाद 29 मार्च को आपका एग्ज़ाम होगा। इसके बाद दोस्तों फिर से आंसर की जारी किया जाएगा, तो 31 मार्च को आंसर भी आपका आ जाएगा और रिजल्ट भी पब्लिश कर दिया जाएगा 15 मार्च के बाद अप्रैल को। इसके बाद आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा नेक्स्ट वीडियो में भी हम चर्चा कर लेंगे। तो फर्स्ट राउंड जो आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा वो होगा फर्स्ट टाइम जो क्वालिफाई स्टूडेंट होंगे कैटेगरी वाइज उसका पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फ़ी कितना होगा सब कुछ जारी किया जाएगा। वो 20 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल तक फर्स्ट काउंसलिंग चलेगा, उसी में आपको हम जानकारी दे देंगे कि कितना फ़ी लगने वाला है और कितना क्या। डिटेल जानकारी अभी पूरा अपलोड नहीं हुआ है। इसके बाद डिस्प्ले ऑफ एलोटेड कॉलेज आपको कौन सा मिला है वो आपको 25 अप्रैल को पता चल जाएगा। इसके बाद आप ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन जो है पेमेंट करेंगे कोर्स का फी जो भी होगा वो आप 26 से लेकर के 28 अप्रैल तक कर पाएंगे। तो ये सब अभी बाद की बात है, लेकिन अभी तक आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो पहले आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए यदि आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो। अब देख लेते हैं कि फॉर्म फिलअप करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कौन फॉर्म फिलअप कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, इसके बाद ये सब डिटेल आपको बाद में हम फिर से बता देंगे। आप में से बहुत सारे ये पूछ रहे हैं कि इस बार हम एग्ज़ाम दे दिए हैं या फिर 2020 में मेरा फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है ग्रेजुएशन वाला, तो हम इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दोस्तों बीएड में जो ये एडमिशन के लिए जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होने जा रही है 2020 से 22 वाले सेशन के लिए है। आपका 20 में क्लियर होगा तो 20 से 22 में आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपके पास अभी मार्कशीट का होना ज़रूरी है। यदि आपके पास मार्कशीट अभी नहीं है तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको मार्कशीट का फ़ोटो भी अपलोड करना पड़ेगा। ये सब तो बेसिक जानकारी है, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, ये सब तो आप भर लेंगे। इसके बाद जैसे ही आते हैं परिवार के कुल है, आप जो है जाति आवासीय आय जरूर बना लीजिए, आपको इस साल पूरे दिन तक काम आते रहेगा। इसके बाद जो है ये सारा डिटेल बेसिक है। और यहाँ पर देखिए आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा। डॉक्यूमेंट्स में आपको मैट्रिक का अंक पत्र अपलोड करना पड़ेगा, इसके बाद आपको इंटर का अंक पत्र भी अपलोड करना पड़ेगा, इंटर का अंक पत्र अपलोड करना पड़ेगा आपको, ठीक ना, मैट्रिक इंटर। इसी के साथ आप ग्रेजुएशन किए हैं तब
तभी आप इस फॉर्म को अपलोड भर रहे हैं, तो आपको जो है अंक पत्र भी अपलोड करना पड़ेगा। देख सकते हैं स्नातक के अंक पत्र को अपलोड करेंगे। जैसे ही आप मार्क्स डिटेल फिलअप करेंगे इस फॉर्म को भरते समय, तो जितना में जितना मार्क्स आपको प्राप्त हुआ है तो स्वतः आपको परसेंटेज भी दिखाई देगी। तो दोस्तों इस तरह से आपको पता चल गया कि आपके पास फॉर्म फिलअप करते समय अंक पत्र का होना जरूरी है, तभी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बहुत सारे यही कमेंट कर रहे हैं कि मेरा 2020 में फाइनल होगा, भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। इसके बाद यदि आप जो है मान ली कि पीजी किए हुए हैं तो उसका भी आपको अंक पत्र अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद सब कैटेगरी आपका क्या है वो प्रमाण पत्र भी आप जरूर अपलोड करेंगे। तो जाति आवासीय आय बनवा लीजिए, सब दिन काम आएगा आपको। इसके बाद जो है आपका विकल्प आएगा कि आप कौन सा शहर चुनना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा हेतु 3 शहरों के नाम का विकल्प चुनना होगा, मात्र 3 शहर का नाम चुन सकते हैं। इसी आधार पर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा द्वारा परीक्षा केंद्रों का आवंटन किया जाएगा, ठीक। तो वो आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ हमको जो है चूज करना है सेंटर। इस तरह से काउंसलिंग से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी थी, जिसमें आपको प्रीफ्रेंस भी देना पड़ेगा, तो ये सब नॉर्मल है। इससे पहले दोस्तों आप जो है जान लीजिए कोर्स फी और आपका जो है एडमिशन फ़ी कितना लगेगा। यदि आपका जो है सरकारी महाविद्यालय में एडमिशन होना है तो उस समय आपको एडमिशन में 4,000 रुपये लगेंगे और 25,000 रुपये अन्य महाविद्यालयों के लिए लगेगा, केवल और केवल एडमिशन फ़ी। यहाँ पर देख सकते हैं प्रवेश शुल्क, कोर्स फी अभी अपडेट नहीं किया है। कोर्स फी की शेष राशि आपको अलॉट होने पर महाविद्यालय में जमा करना पड़ेगा। तो इस तरह से महाविद्यालय में आपको शेष फी देना पड़ेगा और एडमिशन फी आपको 4,000 रुपये और 25,000 रुपये आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन अगर होता है तो 25,000 रुपये लगेगा। इसके बाद यदि आप कॉलेज अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन लेना नहीं चाहते हैं तो आप डेनी पर क्लिक करेंगे, जब रिजल्ट आएगा काउंसलिंग हुआ उस समय ये सब प्रोसेस हम आपको बता देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन अगर होना चाहे तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर भी अपडेट बराबर दे दी जाती है। धन्यवाद।